हाथ पर खून है, तारीख कोई जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पर जो नाखून है, नाखून पर है एक निशान, अब कौन होगा हुक्मरान। जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी थी तब वहां, फिर क्यों पड़ी है खून में जिसमें इसका है कहां। मर गया कि था ही ना, कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां। मॉब लिंचिंग पर लिखी गई ये लाइनें उस इंसान की हैं जिसकी मॉब लिंचिंग पर लिखी गई एक कविता सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये लाइनें हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले नवीन चौरे की, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की बढ़ रही वारदातों पर अपनी कविता के जरिए करारा वार किया है। नवीन चौरे ने होशंगाबाद के गवर्नमेंट पर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है। फिलहाल वो दिल्ली में IIT की पढ़ाई कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार नवीन चौरे को सामाजिक मुद्दों पर लिखना काफी पसंद है। वो आए दिन अपनी कलम की ताकत से सामाजिक मुद्दों पर वार करते हैं। मॉब लिंचिंग पर नवीन चौरे ने अपनी नई कविता से जोरदार प्रहार किया है। आपको बता दें कि इस समय देश में मॉब लिंचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। झारखंड में बीते 3 सालों में ऐसी करीब 20 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें करीब दर्जन भर लोगों की जाने जा चुकी हैं। हालांकि ये मामला सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। दक्षिण भारत भी इस समय इससे अछूता नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि ये सब तब हो रहा है जब कई राज्यों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बाकायदा कानून बन चुका है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपनी दखल दे चुका है। न्यूज डेस्क।